नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, तो आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज से हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की बुक्स के बारे में। तो अगर आप पुरानी बुक्स देखना चाहते हैं 9वीं तक की, तो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है, उसी में आपके चैप्टर वाइज चैप्टर सभी बुक्स के डले हुए हैं। ठीक है, वहां जाकर देखते रहिए आप लोग। तो क्लास 10वीं में भी हमें 5 बुक देखनी है। इन बुक्स के नाम बताने से पहले मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगर आप सिविल सर्विस यानी कि आईएएस या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए जरूरी है। इसका कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है, इसलिए समय रहते हुए आप लोग पूरा कवर कर लीजिए, 102 बार आराम से पढ़ लीजिए इसे। और बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की मदद पड़ेगी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही साधारण एक कहानी का रूप देकर बताई गई है। तो इन्हें 102 बार पढ़ लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और आज पढ़ लेंगे तो शायद कल, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, इसका मैं बता रहा हूं कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो समय रहते ही पढ़ लिया जाए, कल पछतावा होगा वरना, ये पहले पढ़ लिए होते। तो आराम से पढ़ लीजिए, और सभी आपकी जितनी भी आपको जरूरी है, वैसे एनसीईआरटी आप साइट खोलेंगे तो उस पर कई बुक्स डली हुई है, लेकिन आपके लिए सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जो जरूरी है वो मैंने कवर की हुई है। और तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, वहां सभी बुक्स डाल दी गई आपकी। जैसे कक्षा 6वीं में 4 बुक्स थी आपकी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, दूसरी बुक थी कक्षा 6वीं की हमारा अतीत फर्स्ट, तीसरी थी पृथ्वी हमारा आवास, चौथी बुक थी विज्ञान। उसके बाद कक्षा 7वीं में भी आपने 4 ही बुक्स पढ़ी थी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, दूसरी हमारा अतीत सेकंड, तीसरी हमारा पर्यावरण और चौथी है विज्ञान। यही 4 बुक्स आपको कक्षा 7वीं में पढ़नी है। कक्षा 8वीं की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको 4 बुक्स ही पढ़नी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd, हमारा दी 3rd, संसाधन और विकास और विज्ञान। ये 4 बुक्स आपको कक्षा 8वीं में भी पढ़नी है। कक्षा 9वीं में आपको 5 बुक पढ़नी है। कौन कौन सी? लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, समकालीन भारत फर्स्ट, अर्थशास्त्र, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट और विज्ञान। ये 5 बुक्स आपको कक्षा 9वीं में पढ़नी है। अगर कक्षा 10वीं की बात करें हम लोग, तो लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, समकालीन भारत सेकंड, आर्थिक विकास की समझ और भारत और समकालीन विश्व सेकंड, और एक विज्ञान। ये 5 बुक्स आपको पढ़नी है कक्षा 10वीं में। तो आज हम बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के बारे में, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और याद रखिए, इसके जो कवर पेज होगा उस पर यही लिखा मिलेगा आपको, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, तो इसे आराम से आप लोग, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो 9 से 12वीं तक तो आपको पढ़ना ही है। मैं तो कहूंगा, सलाह दूंगा कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक की भी पढ़ लें आप लोग, क्योंकि 1 सप्ताह में आप लोग खत्म कर सकते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है और पतली पतली बुक्स हैं आपकी, तो आप चाहेंगे तो 1 सप्ताह में आराम से खत्म कर सकते हैं। तो उन्हें आप पढ़ लेंगे तो एक सोच विकसित हो जाएगी, समझ रहे हैं। और सिविल सर्विस में आप जानते हैं, जितनी आपकी सोच विकसित है उतने ही सफल होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर बता देता हूं हम लोग। एक से दो बार पढ़ना है आपको, निकल जाना है आराम से, ज्यादा दिमाग भी मत लगाना है इसमें। जो आराम से समझ में आ रहा है समझिए, दूसरी बार पढ़ेंगे आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। कभी भी एक बुक्स पढ़ते हैं कभी भी आप लोग, तो उसे क्या किया करिएगा, एक बार आप लोग नॉर्मल पढ़ लिया करिएगा बड़े ध्यान से। उसमें आप मोबाइल बीच में ना मत उठाइए, एक जब पढ़ रहे हैं तो पूरा दिमाग आपका किताब पर होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो एक बार नॉर्मल पढ़ लिया करिए, दूसरी बार आप जब पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका 90 से 95% पूरा कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसमें आप लोग बात करेंगे सबसे पहले पहले अध्याय में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता। चौथे अध्याय में बात करेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसले। 5वें अध्याय में जन संघर्ष और आंदोलन। 6वें अध्याय में राजनीतिक दल।
सातवें अध्याय में आप लोकतंत्र के परिणाम और अध्याय आठ में लोकतंत्र की चुनौतियां। वैसे तो मैं कहता हूं कि जो भी भारत में रह रहा हो सबको इन बुक्स के बारे में जानना चाहिए। इन जैसे आप सोचिए लोकतंत्र के परिणाम क्या है, राजनीतिक दल क्या है, जनसंघर्ष क्या है, आंदोलन क्या है, ये तो सभी को जानना चाहिए ना। आपने सुना होगा कि जब हिस्ट्री पर कहीं भी अमेरिका में मूवी बनती है विकसित देशों में, तो उस मूवी को जहां ज्यादा महत्व दिया जाता है और अधिक से अधिक लोग देखने जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ देखिए, कोई अगर हिस्ट्री पर यानी कि हमारे राजनेताओं पर, पुराने राजनेताओं पर, जैसे गांधी जी हो गया, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इस तरह की मूवी अगर आए तो कम ही लोग पसंद करेंगे देखना। भी करंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मसालेदार मूवी पसंद है लोगों को। उन्हें अपने भौगोलिक स्थिति पूछ लीजिए, आप रह कहाँ रहे हैं, कहाँ आपका राज्य है, क्या सत्ता है, क्या लोकतंत्र है, क्या राजनेता है, ये सभी परिभाषाएं भी पता नहीं है, बस राजनेता बन चुके हैं। अगर तुम जानोगे ही नहीं अपने भौगोलिक स्थिति में, राजनीति में, और पढ़ोगे ही नहीं, तो कहाँ से क्या, और फिर ऐसे ही आपको राजनेता मिलेंगे, यही आपका आगे चल के विकास करेंगे, समझ रहे हैं? तो इसमें आपके आठ अध्याय कवर करेंगे। तो यहाँ आप लोग भारत का संविधान दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिए, उद्देशिका इसे रख लीजिए। एक संविधान जितना भी है आपका, सभी इसी के आसपास घूमता हुआ मिलेगा आपको। आपके अधिकार जितने हैं, मौलिक अधिकार, वो सभी इसी के आसपास पूरे दिखेंगे आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ इसे लागू किया गया था, लेकिन समग्र रूप से अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जाकर आपका पूरी तरह से लागू हुआ, तो कुछ प्रावधानों के साथ 1949 में से लागू कर दिया गया था। इस दो डेटों को भी याद रखिए, क्योंकि कई बार आपका बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहला अध्याय देखेंगे।